दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह देखेंगे और उसका हल भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद चटर्जी जी ने लिखा है, ये सही आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कौन कहे थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, मतलब किस बेस्ड पे है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है सो शक संवत पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। कितना है दोस्तों? 52 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। अगला क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का जो संबंध है शरीर के हृदय अंग से है, मतलब कि हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, मानव शरीर को की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं, एक्सरे का आविष्कारक कौन है, मतलब इसके कार्यकाल किसने किया था? तो जॉन रॉन्टगन ने, ये रॉन्टगन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मानव द्वारा प्रयोग करने वाला सबसे पहला धातु तांबा है, ये सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, मतलब अंतरिक्ष यात्री को बाहर का आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका सही जवाब है काला। अगला क्वेश्चन, दूरबीन जो है सो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। अब अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट, और ये कहाँ अवस्थित है? तो ये दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में जो है पहली रेल मुंबई से थाने तक चली थी, अभी मुंबई है पहले बम्बई था, और ये 1853 में चला था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853। चलिए ये 14 और 16 क्वेश्चन रिलेटेड है, अब दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। भारत में रेल का आरंभ किस सन हुआ था? तो 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे वो कौन थे? तो ये भारत के बारे में पूछ रहा है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री, उसका नाम है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, और ये कब गए थे, मतलब अंतरिक्ष में यात्रा किए थे? 1984 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945। दोस्तों ये क्वेश्चन बराबर पूछे जा चुके हैं परीक्षा में, और ये देखने से ईजी लगते हैं, लेकिन ऑप्शन रहता है तो काफ़ी डिफिकल्ट, उस समय जो होता है कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को याद कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो पहले राष्ट्रपति बने फिर बाद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए, तो इसका सही जवाब है मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये थे पहले राष्ट्रपति बने, फिर जो है सो उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है सो अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक ने। अशोक किसका बेटा था? तो बिंदुसार का बेटा था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है सो मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो ये सेल्यूकस के दूत के रूप में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो मुद्रा राक्षस है सो विशाखा दत्त ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो अशोक जो है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री महेंद्र संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? मौर्य सम्राट अंतिम तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ ये किसका पिता था? तो जरासंध के पिता थे बृहद्रथ। आगे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक महर्षि पतंजलि है। चलिए अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र सुंग किसके, सॉरी हाँ पतंजलि किसके दरबार में था? तो पतंजलि किसके दरबार में था वो कौन था? पुष्यमित्र सुंग के दरबार में पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि। अगला क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, या इसको पुरुषपुर भी बोलते हैं। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में जो है सूर्य सबसे पहले कौन से राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है सो भारत रत्न है। क्या है? सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी, और इनको कब मिला था? तो 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में इनको मिला था इंदिरा गांधी को। अगला क्वेश्चन,
भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, तो मानसून जो है केरल राज्य में कब आता है, तो जून के प्रथम सप्ताह में आता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। ये बोधगया कहाँ है, तो बिहार में है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है, जो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगला क्वेश्चन, रतौधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो रतौधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किस बीमारी के कारण, किस विटामिन की कमी के कारण, तो विटामिन ए की कमी रतौधी होता है। रतौधी किस अंग से संबंधित है, तो रतौधी आँख से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रतौधी किस अंग से संबंधित है, अगर आ गया तो रतौधी आँख से संबंधित है, आँख जो है उससे संबंधित है बीमारी। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था, तो कागज का आविष्कार कौन किया था, तो चाइना ने किया था, चीन ने किया था। अगला, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है, तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता कॉपरनिकस है। कौन है, कॉपरनिकस। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार असली निगाह में आप स्पीड यूट्यूब पर बढ़ा के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के इलाज में किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम मेघालय में होती है। चलिए दोस्तों इसी तरीके से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान बेगम, रजिया सुल्तान की कह सकते हैं भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविजन का आविष्कार किया था, उनका नाम है जॉन लोगी बेयर्ड ने, जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है सो कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, अमृतसर। अमृतसर कहाँ है, तो अमृतसर पंजाब में है। कहाँ है, अमृतसर, अमृतसर जो है सो पंजाब में है। इसको देख लेते हैं, अमृतसर जो है सो पंजाब में है, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है, चमकता है और गर्म कौन है, तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को और भी कहा जाता है सात और भोर का तारा भी इसको कहा जाता है, इसलिए ध्यान देना दोस्तों। सर्वाधिक चमकीला गर्म ग्रह पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर शुक्र ग्रह होगा। अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। अगला क्वेश्चन, मछलियाँ अपनी जो सांस है किसकी सहायता से लेती है, तो मछलियाँ अपनी सांस जो है सो गलफड़ों की सहायता से लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। दोस्तों आज इसी के साथ पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह खत्म हो रहा है, और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। ये मेरा चैनल है लर्निंग क्लासेस 1993।